तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर ये जो मैसेज वायरल किया जा रहा है उस मैसेज में क्या बताया वो भी आपको बताते हैं। पहले तो उस मैसेज में लिख रहा है कि श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के माध्यम से बता रहा है कि जो एग्ज़ाम रद्द को लेकर जो ट्वीट आया है, जो न्यूज़ आ रहा है एग्ज़ाम रद्द को लेकर, वह फिर से वापस लेके एग्ज़ाम कराने को इसमें लिख रहा है कि टेंथ और ट्वेल्थ का एग्ज़ाम स्थगित नहीं हुआ है, उसमें फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसमें कितना सच्चाई है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और इसको जानने के लिए हम टोटल पहले जाते हैं जो हम लोग का झारखंड का सीएम है श्री हेमंत सोरेन जी के ट्वीट हैंडल में जाएंगे, उस ट्वीट में देखेंगे ये ट्वीट कहाँ पर आया है, उस ट्विटर में जाके देखेंगे ये एक्चुअल में सही है या फिर गलत है। तो आप देख सकते हैं, आप साइड में देख सकते हैं पूरी तरह से जो ट्विटर दिखा रहा है इसने कि किस तरह से कहाँ पर ये है, आपको दिखाते हैं एक एक करके। जहाँ से रद्द करने का फैसला आया है उसके बीच में कहीं पे भी ऐसा मैसेज आपको नहीं दिखेगा कि ट्वीट ये जो फिर से एग्ज़ाम लेने के ऊपर जो बता रहा है, ये पूरी तरह से अफवाह है। और हम बताएंगे किस तरह से अफवाह ना फैलाए ताकि उसी अच्छा होगा, और हम बताना चाहेंगे आप लोग कि इस तरह से अफवाह ना फैलाए, इससे बच्चों को भी ख़राब लगेगा, जो स्टूडेंट्स इसको देखेगा उसके ऊपर बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए बोलेंगे किस तरह से अफवाह ना फैलाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।